जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लैंडस्लाइड की खबर है। इससे अमरनाथ के रास्ते में रुकावट पैदा हो गई। बीआरओ और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर रास्ते से लैंडस्लाइड का मलबा जरूर हटा लिया। अमरनाथ यात्रा को बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से आज भी स्थगित करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जो तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इस वक्त बाढ़ और बारिश जैसे हालात जो बने हुए हैं उसके बाद लैंडस्लाइड की भी तस्वीर सामने आई। हालांकि गनीमत ये रही कि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया। नदी नाले उफान पर है। हिमाचल प्रदेश 7 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मिट्टी कटाव की वजह से कार बहती हुई नजर आ रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी है। कई घरों, दुकानों और गौशालाओं को भी इससे भारी नुकसान पहुंचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आप देखिए। पहली में आपको नजर आएगा कि कैसे सब कुछ इस वक्त जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क भी यहाँ पर कायम, बहुत कह पाना मुश्किल होगा। और नदी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से उफान पर आ चुकी है। और देश भर में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी देश के कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 33 में से 31 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बिहार में भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज भी ये बारिश जारी है और इसी को देखते हुए कई ऐसे राज्य जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इधर दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने महज 24 घंटे के अंदर ही 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लाजपत नगर में भारी बारिश से एक दीवार तक गिर गई और जिसके नीचे दबकर एक आदमी की मौत हो गई। जबकि दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ड्रोन से ली गई दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आई उसमें गाड़ियां सड़क पर रेंगती दिखाई दी। हाईवे पर लगे लंबे जाम की वजह से लोग घंटों फंसे रहे, क्योंकि दिल्ली में हुई भारी बारिश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बीच दिल्ली के कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बाद देशबंधु कॉलेज की दीवार गिर गई है, जिसकी चपेट में आने से करीब 15 गाड़ियां और कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए। क्योंकि दिल्ली में सावन की पहली बारिश ने ही पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कालकाजी इलाके में बने देशबंधु कॉलेज की दीवार भरभराकर गिर गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दीवार गिरने की वजह से उसके आसपास खड़ी करीब 15 गाड़ियां टूट गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस गाड़ी मालिकों की शिकायत के बाद कार्रवाई में जुट गई। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर आ चुके हैं और उसके आसपास बसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में डूब गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से वहां बसे लोगों को बाहर निकाला। इसके साथ ही जवानों ने तेज बहाव में फंसी कई बकरियों को भी रेस्क्यू किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई और पूरा इलाका डूब गया, जहां पानी का तेज बहाव सब कुछ तिनके की तरह बहाता दिखा। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने की खबर मिल रही है, जिसकी वजह से पहाड़ काटकर बना रास्ता भरभराकर गिर गया और लोगों के लिए वहां से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पहाड़ का हिस्सा देखते ही देखते भरभराकर गिरता दिखा, जिसकी चपेट में आई सड़क पूरी तरह से कट गई। बताया गया कि शिमला के संजोली के ढिंगू मंदिर के पास तेज बारिश की वजह से पहाड़ दरकने की घटना हुई, जिसके बाद रास्ता तक बह गया। गनीमत रही कि इस घटना के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इधर राजस्थान के सीकर में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यहां तेज बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर पानी पानी नजर आया, जिसने वहां रह रहे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सीकर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें शहर पानी पानी नजर आया। गाड़ियां छत तक पानी में डूबी दिखी। एक गाड़ी तो पानी के बीच बंद हो गई, जिसे कुछ लोग धक्का देकर ले जाते दिखे, क्योंकि भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। मकान, दुकान और रास्ते, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 2 दिनों तक राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी है। और इधर रामबन के पंथयाल में T5 टनल के बाहर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से में जमीन खिसकने से हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई।
क्योंकि रामबन में T5 टनल की सड़क चिनाब दरिया में बह जाने के बाद जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू जाने वाली गाड़ियां घंटों जाम में फंसी थी। हालांकि अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कराया ताकि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए मलबा हटाकर एक अस्थायी रास्ता बनाकर गाड़ियों को निकाला गया।